महादेव समझा रहे हैं वही व्यापक ब्रह्म तेरे सन्मुख राम रूप में परिणित है, ये सगुण ब्रह्म है। लेकिन सती के मन को संतुष्टि नहीं हो रही, तो महादेव समझ गए कि सती के मन में राम जी के प्रति शंका जागृत हो रही है। तो महादेव ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो सती जाओ और इनकी परीक्षा कर लो। अब परीक्षा करने का मन सती का हुआ, लेकिन सती ने थोड़ा छिपाया, नहीं भोलेनाथ अगर आ गया तो तू एक बार फिर देखा, हाँ तुम जाओ मैं बैठा हूँ आराम से। और भोलेनाथ ने आसन लगाया, महाराज वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले हे प्रभु जो आपकी इच्छा होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा, होगा वही जो राम जी आपकी इच्छा है, करने वाले तो आप हैं, तो सरकार जो आपकी इच्छा सो कीजिए। और सती गई। अब सती विचार करती है, अस कहे लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा, जहां राम जी बिहार कर रहे हैं वही बिलाप चल रहा था, राम रो रहे हैं पागलों की तरह महाराज। अब सती सोचे परीक्षा कैसे करूं, बार बार विचार करती है, पुनी पुनी हृदय विचार कर, सोच रही है क्या करूं। और गोस्वामी कहते हैं फिर क्या रूप धारण किया सती ने, समस्त प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। पुनी पुनी हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ तही, जही आवत नर भूप। विचार किया सीता ही बन जाती, और उसी वक्त सती ने सीता जी का रूप धारण किया, और जहां राम विलाप करते रुदन करते करते जा रहे हैं उसी मार्ग में आगे से आने लगी, सामने से आ रही है। क्यों, मुझे देखेंगे सीता रूप में हूं तो फिर आनंद हो जाएगा इनको, मुझे पकड़ेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। ये विचार करके सती सीता का रूप धारण करके आगे आई है। और राम जी से पहले लक्ष्मण ने देख लिया था, राम जी की बात अभी दूर की है, लक्ष्मण देख गए थे, बोले मार रही है। एक बार लखन को लगा कि सीता मैया, फिर संभल गए लखन, बोले नहीं अगर माँ जानकी होती तो राम अनुभूति कर लेते, राम लीला में बिहार कर रहे हैं, इसका अर्थ है ये माँ सती आई है। लखन समझ गए थे, लखन ने कुछ नहीं किया, लीला में बिहार करते रहे, और फिर आगे से सती आ रही है, और राम जी ने पथ बदल दिया, रास्ता बदल दिया, और सती दूसरे रास्ते से आ गई, बोले नहीं देखा होगा अब देख लेंगे। और फिर भी राम जी ने पथ बदला, तीसरा पथ बदला राम ने, फिर तीसरे पथ पर सती आई है, राम समझ गए सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट सब दरसी सब अंतर जामी, सब दरसी सब अंतर सुमीरत जाही, मिटे अज्ञाना सुमीरत जाही, मिटे अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। रघुनाथ समझ गए माँ के मन में क्या कपट चल रहा है, बोले अब ऐसे काम नहीं बनेगा, अब मुझे माँ के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्यामी है, जिसका नाम जपने मात्र से लोगों की चित्त के अज्ञान चला जाता है महाराज। सुमीरत जाही मिटे अज्ञाना, सुमीरत जाही मिटै अज्ञाना, सोई सर्वगे राम भगवाना, सोई सर्व साथ में गाओ महाराज राम भगवाना,
सती की न चह तहूं दुराऊ, सती की न चह तहूं दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। समझ गए रघुनाथ। और फिर अब की बार राम जी ने पथ बदला नहीं, बल्कि जिधर से सती आ रही थी राम सामने से जा रहे हैं, और जैसे गए तो राम जी ने क्या किया, जाते ही प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करके बोलते बोले मैं राम। सती को समझ नहीं आई, सती माँ विचार करती हैं इतना बोर आ गए, पत्नी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो तो सीता बनी हुई थी, बोले मुझे प्रणाम। ओहो हो, ऐसी स्थिति हो गई राम जी की। राम प्रणाम करके सन्मुख खड़े हैं, फिर परिचय दिया मैं राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तो सती ने समझा हो सकता है महाराज अयोध्या का कोई नियम हो कि जब पत्नी खोकर वापस मिलती हो तो पहले परिचय देते हो कि मैं राम ये लखन। अभी भी सती की समझ नहीं आ रहा, और भगवान समझ गए यो नहीं मानेगी। और फिर प्रभु ने क्या किया, जोर पान प्रभु की न प्रणाम, जोर पान सर झुकाया प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहउ बहोर कहाँ वृष के तू, कहाँ बहोर कहाँ वृष के तू, विपन अकेली फिरे काहे हे तू, विपन अकेली फिरे काहे। प्रणाम किया रघुनाथ जी ने, और फिर पूछ लिया सीधे सीधे, बोले माँ अकेली वन में क्यों विहार कर रही हो, मेरे पिता महादेव कहां पर छोड़कर आई हो। जब इतना सुना सती पसीने से तर बतर हो गई, शीर कांप गया पूरा का पूरा, और एकदम असली रूप में प्रतिष्ठित हो गई, बोले राजा राम सरकार। कुछ कह नहीं पा रही सती, बस राम वचन मृद गुड़ सुन उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। बस कुछ बोल नहीं पा रही, शरीर कांप उठा और पश्चाताप हो रहा, एकदम पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो गई, मैंने अपराध कर दिया, मैंने भूल कर दी। ये तो साक्षात ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर राम बनकर केवल मानवी लीला करने के लिए विलाप कर रहा था, और मेरे मन में शंका जागृत हो गई, ये ब्रह्म नहीं है, ये मन का भ्रम है। अब क्या कहूं क्या ना कहूं, बस प्रणाम करके सती दौड़ी। लेकिन जैसे सती वापस गई तो राम जी ने सोचा अब माँ आई है, थोड़ा कौतुक तो दिखाना चाहिए ना, अब जब परीक्षा करने ही आई है अच्छी तरह से हो जाए। और फिर जब सती वापस गई और फिर राम जी ने क्या कौतुक दिखाया, जाना राम सती दुख पावा, जानते थे दुख हुआ है उनको, निज प्रभाव कछु प्रगट जनाव, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अपना वैभव प्रकट कर रहे हैं राम जी। तो जहां सती जा रही थी, सती देख कौतुक मग जाता, सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्रा। जैसे सती ने सामने देखा तो क्या देखती है, सामने राम जा रहे हैं, राम के पीछे सीता जी हैं, श्री श्री माने सीता जी हैं, और सीता जी के पीछे लखन जी हैं, तीनों जा रहे थे। सती हैरान, बोले अभी अभी तो हरण हुआ था, ये तीनों इकट्ठे कैसे जा रहे हैं, जानकी कहां से आ गई। तो एकदम घबराई सती, सती ने पलटी एक तरफ मुख किया, और जैसे मुख पीछे की ओर किया, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा,
सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, सहित बंधु सिय सुंदर। पीछे पलटी तो पीछे भी क्या देखा, राम लखन सीता जा रहे हैं, अचंभित। दाएं मुड़ी तो दाएं भी देखा राम लखन सीता, बाएं देखा राम लखन सीता, आकाश मंडल की ओर देखा महाराज, पूरा वैभव राम सीता से भरा हुआ। घबरा गई माँ, घबरा कर पसीने से तरबतर हुई, बैठ गई धरती पर। और जैसे धरती पर बैठी तो क्या देखती है, वहां पर भी कणिका कणिका में राम सीता का दर्शन हो रहा है, वैभव पूरा प्रकट है। जह चित वही तह प्रभु वासीना, जय चित वही तह प्रभु वासीना, सेवही सिद्ध मुनीस प्रवीना, सेवही सिद्ध मुनीस प्रवीना, दे हे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु। देखो मैं एक बात कहूं, जिसको इस बात पर शंका होना, ये राम और उस राम में क्या अंतर है, निर्गुण राम क्या अलग है और सगुण राम अलग है, वो इस बात को थोड़ी गहराई से चिंतन करना। सती के मन में यही शंका आई थी महाराज, वो यही समझ रही थी ये राम साधारण है और निर्गुण राम जिसकी ग्रंथ बार बार राम कहकर संबोधना कर रहे हैं वो राम कोई और है। आप देखो सती को क्या दिख रहा है, राम ने वैभव दिखा दिया। महाराज तुम क्या सोचती हो माँ कि सीता का हरण हो गया है, ये सीता राम तो युगल जोड़ी है, ये कभी खंडित होती नहीं है, केवल मानव लीला करने के लिए, जगत को मानवता सिखाने के लिए राम को ये विहार करना पड़ता है। और जो आज सती ने देखा, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां दृष्टि गई सती की, अनेक अनेक ब्रह्मांड, अनेक अनेक देवता महाराज, कितने भोलेनाथ, कितने इंद्र, कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, लेकिन उस समस्त ब्रह्मांडों में सती ने देखा राम एक ही है, और वो यही है। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण देखी अमित अनूप, जेही जेही वेश अजाद सुर, तेही तेही तन अनरूप। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। डर गई माँ और अंत में आंखों को बंद कर लिया और राम जी ने अपने वैभव को अंतर ध्यान कर दिया। बहुत पश्चाताप हुआ मन के अंदर और फिर अखियां भरी हुई थी, तन पश्चाताप से मन भरा हुआ था और फिर पहुंची महादेव के पास, भोलेनाथ के पास। महादेव बैठे थे आसन लगाकर और देखकर मुस्कुराए, सती देखाई परीक्षा कराई हो? भोलेनाथ कैसी बात करते हैं, मैं तो केवल दर्शन करने गई थी। गई समीप महेश तब हंस पूछे कुशलात, ली नहीं परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। तुमने परीक्षा की होगी, कैसे की थोड़ा बताओ तो सही। लेकिन अब सती डरी क्योंकि जो परीक्षा करने का ढंग था वो जानती, वो गलत था, झूठ बोल दिया। सती समझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराओ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ बोला सती ने, पर वो मैंने कोई परीक्षा नहीं की।
कछु न परीक्षा लीन गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाई। मैं तो केवल दर्शन करने गई थी और जैसे आपने प्रणाम किया था वैसा प्रणाम निवेदित करके मैं वापस आ गई हूँ, बस इतना मैंने किया। लेकिन भोलेनाथ समझ गए थे, आंखें बंद की और भोलेनाथ देखते कि देखो सती क्या करके आई है, अंतर्यामी है भोलेनाथ तो। और जैसे नेत्रों को बंद किया तब शंकर देखे धर ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना। शरीर कांप गया भोलेनाथ का, ये कौन सा तरीका था परीक्षा लेने का, सती सीता बन कर गई है। और भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया, क्या बोले, आज सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, राम मेरे इष्ट हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे पिता हैं, और उस नाते सीता मेरी माँ है, और आज सती ने माँ का रूप धारण किया है, और आज के बाद इसके साथ पत्नी जैसा संबंध नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने माँ का रूप धारण किया है। इसलिए उसी वक्त भोलेनाथ महादेव ने सती को अपने मन से प्रत्याग कर दिया। ध्यान दीजिएगा, प्रत्याग का अर्थ यहां ये मत समझिएगा सती को छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, रिश्ते को त्याग कर दिया क्योंकि ये मां बन कर गई है और फिर मां के साथ पत्नी जैसा संबंध नहीं हो सकता, इसलिए उसी वक्त उसी क्षण त्याग दिया। परम पुनीत न जाई तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहे त महेश कछु हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमृत राम हृदय से आवा, एह तन सत ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और उसी वक्त जैसे संकल्प किया एकदम आकाश गूंज उठा महाराज, आकाशवाणी हुई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत दृढ़ाई, असपन तुम बिन करई को नाना, राम भगत समरथ भगवाना। बोले नाथ ऐसा संकल्प आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस आकाशवाणी को सती भी सुन रही थी और पूछा सती ने डरते डरते, बोले नाथ सच कहिए, आपने अभी इसी वक्त मन में क्या संकल्प कर लिया है। लेकिन महादेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सती समझ गई थी। अब जो घटना घटने वाली है सती जान गई थी, मैंने अपराध किया है और उस अपराध का फल मुझे भोगना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भोलेनाथ ने मुझे प्रत्याग कर दिया होगा। कैलाश पर पहुंचे भोलेनाथ और पहुंचते भोलेनाथ ने समाधि ले ली, समाधि में बैठ गए और सती दिन प्रतिदिन प्रतीक्षा करती रही कुछ भोलेनाथ कहेंगे। फिर बरसों बीत गए, भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा और उस रिश्ते का प्रत्याग कर दिया भोलेनाथ ने। और सती मन से कहती है, महादेव ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मैं जानती हूँ जो मैंने अपराध किया जघन्य अपराध है और इसका पश्चाताप सरकार में करती हूँ। अब कुछ ऐसी कृपा करो, कुछ ऐसी लीला रच दो कि मैं इस शरीर का प्रत्याग करके फिर आऊं, फिर साधना करूं, फिर तप करूं भोलेनाथ, फिर आपकी प्राप्ति करूं। अब तो दिन रात एक ही चिंतन सती के मन में चलता है, क्योंकि ध्यान दीजिए अपराध हुआ तो अपराध का बोध भी है, अपराध हुआ तो अपराध का बोध भी है। लेकिन आज मानवीय जगत कैसा है, अपराध करने के बाद अपराध का बोध नहीं होता, सती रुदन करती है, ये विरह सहा नहीं जाता। महादेव मैं जानती हूं मन से आप मेरा प्रत्याग कर चुके हैं, तो प्रभु अब कुछ ऐसी लीला रच दीजिए, कुछ ऐसी लीला रचिए कि इस शरीर का प्रत्याग करके फिर से आऊं, आपकी साधना करूं, आपको रिझाऊं, आपको प्राप्त करूं। और मेरा संकल्प है महादेव, जब तक आप प्राप्त नहीं हो जाएंगे, मैं बार बार मुझे आना पड़े, मैं हर जन्म लेकर आऊंगी, हर जन्म में साधना करूंगी, एक ना एक दिन तो भोलेनाथ आप मेरे हो ही जाएंगे। और तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। और फिर एक दिन आया, लीला रची गई, कनखल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। मैंने पहले चर्चा की है, भोलेनाथ के साथ द्रोह है दक्ष का, उसी अहम के भरे हुए दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया भोलेनाथ को। और इधर समस्त देवतागण देवियां अपने विमान सजाकर कनखल में पहुंच रहे हैं, सती ने दूर से देखा, ऊपर से सब लोग किधर जा रहे हैं, इशारों में कुछ बात हुई, तो चलते चलते कुछ
देवियों ने बोल दिया, बोले कनखल में आपके पिता ने यज्ञ रचाया, आपको निमंत्रण नहीं मिला, बड़ी ठेस पहुंची। बोले मुझे नहीं मिला, भूल गए होंगे, कार्य की व्यस्तता होगी। देखो पुत्री फिर भी विचार करती है, पिता भूल गए होंगे, मैं तो सबसे लाडली हूँ, सबसे ज्यादा प्रेम मेरे पिता मुझे ही करते हैं, मुझे कैसे भूल सकते हैं। महादेव से आकर कहा, भोलेनाथ आप कृपा करो, पिताजी ने यज्ञ किया है, हम लोग वहां चले। महादेव ने मना किया, बोले नहीं, निमंत्रण नहीं आया, नहीं जाएंगे हम लोग। क्योंकि महादेव जानते थे कि पीछे कारण क्या है, पीछे कारण क्या महादेव जानते थे। बोले वहां जाएंगे, तिरस्कार होगा, सती सहन नहीं कर पाएगी। सती को रोक देते हैं, बोले सती मत जाओ, लेकिन सती नहीं मानी। अब मन में था, नहीं मैं जाऊंगी, पिता मुझे देखकर पश्चाताप करेंगे और मुझे दिल से लगा लेंगे, हृदय से लगाएंगे, उनको भूल का, अपने अपराध का बोध हो जाएगा, आखिर मुझसे इतना प्रेम वो करते हैं, और फिर आदर से आपको बुलाएंगे। सती ने मना, बार बार महादेव मना करते हैं, सती मानती नहीं है, और अंत में सती जिद कर लेती है, नहीं महादेव अब आज्ञा प्रदान करें। और तब नंदी भृंगी आदि कुछ गणों को साथ में महादेव ने भेजा है, जाओ सती तुम जाओ इसकी रक्षा करना। और तब सती नंदी भृंगी इत्यादि के साथ कनखल में पहुंची है, जहां महादेव के ससुराल है। आज भी आप जाइए वहां पर, वही यज्ञ कुंड आज भी विराजमान है। और सती आई और जैसे ही सभा में प्रवेश किया, समस्त देवतागण, सब साधु समाज, विशिष्ट बुद्धिजीवी, मनस्वी शस्वी सब बैठे। ब्रह्मा का स्थान है, समस्त देवताओं का स्थान है, लेकिन जैसे निगाह दी महाराज, एक चाव था सती के मन के अंदर, मैं जाऊंगी मुझे देखकर पश्चाताप होगा उन्हें, मैं जाऊंगी तो पिता मुझे दौड़कर गले से लगाएंगे। लेकिन जैसे प्रवेश किया, किसी ने भी डर के मारे देखा भी नहीं सती को, पिता ने तो नजर ही घुमा ली, बड़ी पीड़ा पहुंची हृदय को। और अगल बगल देखा तो महादेव का स्थान नहीं था, बहुत गलानी हुई, पश्चाताप हुआ। और फिर जो हुआ सभा के अंदर, दक्ष प्रजापति जो महादेव का तिरस्कार किया, जो अपशब्द कहे गए, सती नहीं सहन कर पाई, बोले महादेव दूसरी भूल हो गई, आपने रोकने का प्रयत्न किया था, मैं रुकी नहीं हूं, और यहां पर आकर आपका अपमान हो रहा है, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती हूं। और उसी वक्त ये सामने जो खड़ा है, भले वो आदि शक्ति है, लेकिन ये इस शरीर का पिता भी है, इसने मुझे जन्म दिया है, मैं कहां तक इस दक्ष को कुछ कह सकती हूँ। और अंत में माँ सती बैठी योग साधना के बल पर अपने योग अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने शरीर को वहीं पर अग्नि में भेंट कर दिया। हाहाकार मच गया, नंदी दौड़े दौड़े के महादेव, सती माँ ने शरीर पर त्याग कर दिया है। बोले नाथ ने जटा क्रोध में आवेश में आकर जटा मारी और वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ विध्वंस कर दो सब कुछ। वीरभद्र आए महाराज, यज्ञ विध्वंस कर दिया गया, दक्ष प्रजापति की गर्दन काट कर दी गई, सब रुक गया, हाहाकार मच गया। और तब सभी साधुओं ने, महात्माओं ने भोलेनाथ को ही प्रार्थना की, भोलेनाथ कृपा करो, आप करुणा एन है। चलत कुंडलम भ्रु सुनेत्रम विशालम प्रसन्नान नील कंठ दयालम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं सिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतेत मीशं गरीशं चलत कुंडलम ब्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नान नील कंठ दयालम। और फिर महादेव तो महाराज करुणा इन करुणा के परिपूर्ण अवतार हैं। भोला नाथ प्रकट हुआ और फिर से सबको यज्ञ पूर्ण करवाया, दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया, बकरे का सर लगाया। आप विचार करो, आज तक भी इतनी साइंस की डेवलपमेंट होने के बाद भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मानव के धड़ को मानव का ही सर लगा दिया जाए। ये भोलानाथ ही कर सकता है कि मानवी देह को बकरे का सर लगा दे या हाथी का सर लगा दे। ऐसा डॉक्टर कोई नहीं है महाराज, ऐसा साइंटिस्ट कोई नहीं है, ऐसा रिसर्चर पूरे विश्व के अंदर कोई नहीं है जो महादेव करता है, जो भोलेनाथ करता है।
सब पर कृपा की, अपना दुख पीछे छोड़कर महादेव ने सबको संतुष्ट किया, सबका कल्याण किया, सबका मंगल किया, सबका मंगल किया, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है महाराज। आप विचार करो तो जल से रिझ जाए, एक लोटा जल जाकर चढ़ाओ भोलेनाथ प्रसन्न, ऐसा कोई और देव है? तभी उन्हें देव नहीं कहा गया, देवों का देव महादेव कहा गया, महादेव कहा गया। पूर्ण विश्व महाराज कहीं चले जाइए, ऐसी करुणा, ऐसा दया, ऐसा प्रेम, ऐसी वत्सलता रिझ जाए जो। और फिर सती के विग्रह को लेकर महादेव गए और भगवान नारायण ने सुदर्शन के माध्यम से सती की देह को विच्छेद किया और 51 शक्तिपीठों की रचना हुई। जहां जहां माँ के अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठ की रचना हुई है और आप सभी लोग उसका दर्शन करते ही हैं, जाते हैं महाराज। और फिर महादेव समाधि में बैठ गए, वर्षों बीत गए। और इधर माँ सती ने संकल्प किया था कि प्रभु कृपा कीजिए मैं फिर आऊं। और फिर माँ सती गोस्वामी जी कहते हैं कहां प्रकट हुई, हिमालय राज के यहाँ पर। जब ते उमा शैल गृह जाई ते ही कारण हिम गिरी जहि जाई जनमी पार्वती तन पाई। फिर से क्योंकि अभिलाषा एक थी, भोलेनाथ आपको प्राप्त करूं। और तब वही जगत जननी सती फिर से कलंतर के बाद हिमालय की पुत्री बनकर प्रकट हो रही है, जहां से फिर मां भवानी का चरित्र मानस में शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, रामचरित मानस के प्रारंभ में महादेव की कथा को वर्णित क्यों किया गया, जबकि सही माने में भोलेनाथ का ये जो प्रसंग है ये राम कथा का विषय नहीं है, लेकिन गोस्वामी यहां क्यों अंकित करते, शिव पुराण की कथा है लेकिन यहां अंकित क्यों किया गया? क्योंकि एक इशारा किया गया गोस्वामी जी के माध्यम से, और वो इशारा क्या कि अगर राम जी की प्राप्ति करनी है तो शिव मार्ग से होकर जाइए, राम सहज मिलेंगे। और अगर शिव की प्राप्ति करनी है तो राम जी के मार्ग से होकर जाओगे तो शिव आसानी से मिल जाएंगे। कभी मंदिर जाओ ना भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ को जाकर राम जी की कथा सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ, गोपिका गीत का पाठ हर रोज महादेव को सुनाओ, महादेव ज्यादा प्रसन्न होंगे। जो उनको पसंद वो कीजिए महाराज। भोलेनाथ को कृष्ण राम की कथा बड़ी प्यारी लगती है, मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, महामंत्र सुनाइए, महादेव को राम जी का नाम सुनाइए, जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम, जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम, जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम, जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम, जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम, जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। राम दो अक्षर का प्यारा नाम, जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। सती मरत हरि सन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद तेही कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती जन्मी पार्वती तन पाई, जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम, जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम, जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। शैल गृह जाय सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनि सुआशम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम।